हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूँ। आज का लेक्चर हमारा मेथड्स इन बायोलॉजी नॉट रिलेटेड 34th लेक्चर रहेगा। और आज के लेक्चर में हम कुछ हमारे बायोस्टैटिक्स के जो हमारे टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड कई बार हमारे क्वेश्चन हमें CSIR नेट एग्जाम के अंदर या फिर DBT एग्जाम के अंदर और उसके अलावा कई बार हमें गेट लाइफ साइंस एग्जाम के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, उन सब टॉपिक्स को हम यहाँ पे एक ओवरव्यू लेके चलेंगे। ज़्यादा डिटेल्स में हम इनके स्टडी यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम ज़्यादा डिटेल में आप अगर इसके ऊपर स्टडी करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा यहाँ पे टाइम कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा हम यहाँ पे डिटेल में ना जाके सिर्फ एक यहाँ पे ओवरव्यू लेके चलते हैं जिनके रिगार्डिंग कई बार हमारे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ के एक बार ओवरव्यू करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे बायोस्टेटिक्स से रिलेटेड CSIR नेट एग्जाम के अंदर लास्ट जो 5 ईयर के अंदर जो हमारे PYQs क्वेश्चंस हैं उनको हमने ऑलरेडी अपने जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको बायोस्टेटिक्स के जो PYQs क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड अगर कोई डाउट है या फिर उसके बारे में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो। आज के लेक्चर में हम सिर्फ यहाँ पे थ्योरेटिकल लेके चलेंगे, आज हम यहाँ पे कोई PYQs क्वेश्चन को नहीं डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बायोस्टेटिक्स के लिए तो इसके अंदर जो हमारा DBT JRF का जो हमारा सिलेबस है क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद DBT JRF एग्जाम होने वाला है तो उसी को यहाँ पे हम माइंड में रखते हुए हमने पर्टिकुलर जो हमारा DBT BET JRF का जो पैटर्न है या फिर उसका जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर एक हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग का जो टॉपिक होता है वो हमारा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब ये क्या होता है, ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ए सिंगल वैल्यू दैट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब ए डाटा सेट बाय आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल पोजिशन विद इन दैट सेट ऑफ डाटा। देखो, जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है ना उसको यहाँ पे मेजर करने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जैसे कि कोई एक डाटा है, ठीक है, और उस डाटा को हम एक सिंगल वैल्यू से अगर हम उसको शो करना चाहें, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि एक पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू से अगर हम पूरे डाटा को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना चाहें, उसको डिस्क्राइब करना चाहें, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा वहाँ पे, सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर समटाइम कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन। द मीन, मीडियन एंड मोड आर ऑल वैलिड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बट अंडर डिफरेंट कंडीशन सम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बिकम मोर अप्रोप्रिएट टू यूज देन अदर। देखो, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि एक हमारे पास जैसे कि कोई डाटा सेट हो गया और उसको हम सिंगल वैल्यू से अगर हम यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं तो वही हमारा क्या होगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें हमारे पास कोई डाटा है और वहाँ पे हम क्या करते हैं, मीन के थ्रू उस डाटा को शो करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें क्रिकेट के लिए तो क्रिकेट के अंदर जो एक मेजर अगर हम किसी बैट्समैन के लिए अगर उसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि वो कितना बेटर बैट्समैन है तो उसके लिए सबसे पहले जो हम यहाँ पे पॉइंट को नोट करते हैं वो हमारा क्या रहेगा, उसकी एवरेज क्या होती है। ठीक है, जितनी बेटर एवरेज होगी तो वहां पे हम एक्सपोज करके चलते हैं कि उतना ही बढ़िया क्रिकेटर होगा। तो सेम यहाँ पे भी हमारा है कि अगर हमारे पास कोई डाटा सेट है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको शो करने के लिए जो हमारी एक पर्टिकुलर वैल्यू से हम उसको शो करते हैं वही हमारा क्या होगा, सेंट्रल टेंडेंसी होगा। और उसके लिए हमारे यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग मेथड हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम मीन बता सकते हैं या फिर कई बार हम यहाँ पे मीडियन का भी यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कई बार हम यहाँ पे मोड का भी यूज करते हैं। तो ये हमारे मेजर जो हमारे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रहते हैं, तो उसके अंदर हमारे मेजर कौन कौन से होंगे, मीन होगा हमारा, मीडियन होगा और उसके अलावा एक मोड होगा। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर सेट के लिए हम यहाँ पे तीनों चीजों को सिग्निफाई करेंगे, तीनों चीजों को यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, करने को तो हम कर सकते हैं लेकिन जो उसके सिंगल वैल्यू की हम बात कर रहे हैं तो अलग अलग पॉइंट हो, अलग अलग कंडीशन के अंदर। ठीक है, कुछ हमारी ऐसी कंडीशंस होंगी जहाँ पे हम मीन के थ्रू अपने डाटा सेट को शो करेंगे, कई हमारी ऐसी कंडीशन भी होगी जहाँ पे हम मीडियन के थ्रू उसको शो करना चाहेंगे, और कुछ हमारी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हम अपने डाटा सेट को मोड के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा कि हमारी अलग अलग कंडीशन के अंदर हम अलग अलग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को यूज करेंगे, मीन को भी यूज करेंगे, मीडियन को भी यूज करेंगे और मोड को भी यूज करेंगे। लेकिन वो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि हम वहाँ पर कौन से सेंट्रल टेंडेंसी को शो करना बेटर रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मीन के लिए, मीन हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे कि अर्थमेटिक मीन जो है ना, मीन के अलग अलग यहाँ पे टाइप होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक मीन हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया, जियोमेट्रिक मीन हो गया, तो ये अलग अलग हमारे टाइप होते हैं। लेकिन जो सबसे कॉमन हमारा जो यूज होता है ना वो हमारा कौन सा होता है, अर्थमेटिक मीन, जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब अर्थमेटिक मीन को अगर हम यहाँ पे बताना चाहें तो अर्थमेटिक मीन हमारा क्या होगा, द मीन और एवरेज इज द मोस्ट पॉपुलर और वेल नोन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट कैन बी यूज्ड विद बोथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डाटा, ऑल्दो इट्स यूज इज मोस्ट ऑफन विद अ कांस्टेंट डाटा। द मीन इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल वैल्यू इन द डाटा सेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डाटा सेट। इट इज ए लिमिटेशन दैट इट पर्टिकुलरली सेप्टेबल टू द इन्फ्लुएंस ऑफ आउटलाइनर। अब यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा मीन है ना वो हमारा सबसे वेल पॉपुलर और वेल नोन हमारा एक सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का
मेथड रहेगा, ठीक है। और इस डाटा को हम डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दोनों डाटा के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम हमारे पास अलग अलग यहाँ पे एक वैल्यूज है और उसको हम यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू अगर यहाँ पे शो करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमारी कम वैल्यू थी, ये हमारी ज्यादा हो गई है, हमारी ज्यादा आ गई, इस तरीके से हमारे यहाँ पे वैल्यू चल रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक पैटर्न हमारा यहाँ पे अगर चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि पैटर्न हो गया पूरा, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस डाटा बोलेंगे। और अगर हमारे पास कोई डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि पीछे तो हमने क्या बताया था, यहाँ पे हमारा कुछ इस टाइप से डाटा चल रहा था ना कॉन्टिन्यू, डिस्क्रीट में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हमारी वैल्यू हो गई, ये हमारी यहाँ पे सेकंड वैल्यू हो गई, एक यहाँ पे हमारी वैल्यू है, ठीक है, एक यहाँ पे हमारी वैल्यू हो गई, एक किसके पास ही हो गई। तो इस टाइप से अगर हमारा कोई डाटा भी है ना, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे मीन को यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एवरेज को वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। और जो हमारा अर्थमेटिक मीन है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारा मीन है ना, उसके हमारे अलग अलग टाइप हो सकते हैं, अर्थमेटिक मीन भी हो सकता है, हार्मोनिक मीन भी हो सकता है, ज्योमेट्रिक भी, जो मोस्ट कॉमनली यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, तीन टाइप के हमें मेजरली वहाँ पे देखने को मिलेंगे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या फिर हमारा हार्मोनिक मीन। तो जो हमारा अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, तीनों के लिए हमारा अलग अलग फॉर्मूला होगा, हार्मोनिक मीन के लिए हमारा अलग होगा, जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन होगा उसके लिए हमारा अलग फॉर्मूला होगा। तो जो हमारा अर्थमेटिक मीन होता है, जो एवरेज, जो कि मोस्ट कॉमनली यहाँ पे यूज करते हैं, तो उसके अंदर हमारा क्या होगा, द मीन इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल वैल्यू इन द डाटा सेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यू इन द डाटा सेट। जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे चार पांच वैल्यूज है, ये 1, 2, 3, 4 एंड 5। और अगर हम इसके लिए यहाँ पे अर्थमेटिक मीन या फिर अगर यहाँ पे एवरेज को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारा क्या रहेगा कि इन सभी वैल्यूज को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, इनको ऐड किया, और इस जितने भी हमारे नंबर्स होंगे, कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 5 से हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 15, ये हमारा 5 और ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका अर्थमेटिक मीन। और अगर हमें पर्टिकुलर बोला ना गया हो कि किस टाइप का मीन हमें वहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो मोस्ट कॉमनली हम वहाँ पे अर्थमेटिक मीन को ही यूज करेंगे। अब इसमें इन्होंने हमने आगे क्या बताया, इट हैज ए लिमिटेशन दैट इट इज पर्टिकुलरली सेप्टेबल टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द आउटलाइनर। अब ये हमारा जो आउटलाइंस होंगे ये क्या होंगे, जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि हम यहाँ पे मीन वैल्यू शो कर रहे थे, ठीक है। अब 5 तो हमारे पास ये वैल्यूज होगी, और इसके अलावा एक हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हो जाती है, जैसे कि सपोज करके चलते हैं हम 75, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में हमने क्या बताया था कि जो हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, जिसमें हम यहाँ पे मीन को स्टडी कर रहे हैं, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारा क्या होता था कि वो पर्टिकुलर एक हमारी वैल्यू जो कि हमारे पूरा डाटा सेट को सिग्निफाई करेगी, ठीक है, उसको शो करेगी। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे मीन को लेके चलते हैं, ठीक है, अभी जैसे कि हमने पीछे मीन से इस यहाँ तक का जो हमारा डाटा सेट था उसको हम शो कर पा रहे थे, इसका जो हमने मीन बताया था 3, तो हमारे जो मैक्सिमम जो वैल्यू था वो इसकी आसपास रह रही थी, तो इसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, इस वैल्यू से हम इस डाटा सेट को शो कर सकते थे। बट यहाँ पे हम क्या होता है कि यहाँ पे हमारी एक और वैल्यू हो गई, 75 यहाँ पे हमारा इंक्लूड हो गया। तो अब अगर हम यहाँ पे इसका अर्थमेटिक मीन अगर यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 75 डिवाइडेड बाय 6 होगा, और ये हमारा कितना था, 15 तो यहाँ तक था, ये हमारा +75, तो ये 90 हो गया, डिवाइडेड बाय 6, तो ये हमारा कितना हो जाता है, 15 हो गया। अब अगर मैं इस डाटा सेट के लिए अगर मैं 15 वैल्यू को यहाँ पे अगर शो करना चाहूँ, तो क्या ये इसको ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यूज थी, 5 वैल्यूज तो हमारी क्या थी, इससे कम रह रही थी, और एक वैल्यू इससे हमारी बहुत ज्यादा थी। तो यही जो एक अलग से जो वैल्यू ऐड हुई है ना, यही हमारी क्या होती है, आउटलायर्स, यानी कि जो हमारे मैक्सिमम वैल्यूज है उनसे अगर बिल्कुल अपोजिट या फिर उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस में अगर हमारी कोई वैल्यू आती है, तो वही हमारा क्या होगा, यहाँ पे आउटलायर होगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम आउटलायर को कंसिडर कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा मीन है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है। तो इसीलिए हमने बताया कि ये जो हमारे यहाँ पे मीन होगा ना, अर्थमेटिक मीन होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आउटलायर से बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होगा, ठीक है। और यही हमारा क्या होता है, मीन का हमारा एक मेजर लिमिटेशन यहाँ पे होगा। और इसीलिए हमने यहाँ पे बताया था कि अलग अलग कंडीशन के अंदर हमारे अलग अलग यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारा यूज होगी, जैसे कि मीन की हमने बात की, ठीक है। तो अगर हमारी वैल्यूज एक दूसरे के बिल्कुल ठीक पास पास है, कंटिन्यूस डाटा में है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो हम वहाँ पे मीन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हमारे यहाँ पे आउटलायर आ जाता है, तो वहाँ पे हम दूसरे हमारा जो मेथड होगा उसको वहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मीन, अर्थमेटिक मीन यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, इसकी हमारी क्या लिमिटेशन होगी वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं मीडियन के लिए। मीडियन में हमारा क्या होगा, द मीडियन इज द मिडिल स्कोर फॉर ए सेट ऑफ डाटा दैट हैज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, हमारे पास फिर से वही 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास एक डाटा हो जाता है,
ठीक है। और अगर हम इसके लिए यहाँ पे अगर मीडियन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा डाटा सेट है उसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम यहाँ पे अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, ठीक है। इनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, जैसे कि 5 4 3 2 1, कोई यहाँ पे डिफरेंस मीडियन के ऊपर नहीं आएगा, मीन के ऊपर भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और मोड के ऊपर भी ऐसा कोई डिफरेंस इसके ऊपर नहीं आएगा। तो अगर हम यहाँ पे क्या गया, हमारे पास जो डाटा सेट था उसको हमने क्या किया, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो हमारे बिल्कुल मीडियन यानी कि जो बीच की जो हमारी वैल्यू होगी ना उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 इस तरफ की अपने वैल्यू को यहाँ पे रिमूव किया, और 2 इस तरफ से। जैसे कि यहाँ पे हमारा 5 यहाँ से 1 को रिमूव कर दिया, 4 से हमने 2 को रिमूव कर दिया, तो बीच में हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। यही हमारा क्या होगा, इसका मीडियन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आउटलायर वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि आउटलायर हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया, साइड से हमने रिमूव कर दिया उसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, मीडियन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके लिए, द मीडियन इज द इंटर मिडल स्कोर ऑफ ए फॉर ए सेट ऑफ डाटा दैट हैज अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जो हमारी मिडिल का स्कोर होगा, मिडिल वैल्यू होगी, वही हमारा क्या होता है, मीडियन होगा। द मीडियन इज लेस अफेक्टेड बाय द आउटलायर एंड स्क्यू डाटा, ठीक है। ये हमारा आउटलायर से बहुत ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे इसके ऊपर नहीं आएगा। टू कैलकुलेट द मीडियन, सपोज वी हैव द फॉलोइंग डाटा सेट। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये हमारे पास एक डाटा सेट है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इसको अरेंज करना पड़ेगा। वी फर्स्ट नीड टू रीअरेंज द डाटा इन टू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, 14, 35, 45, 55, 55, 56, 56, 65, 87, 89 एंड 92। और मीडियन इज द मार्क, और मीडियन मार्क इज द मिडल मार्क इन दिस केस 56। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 14 से हमने यहाँ पे इसको, ये हमारा 35 से 89, ये हमारा इसके साथ कैंसिल आउट, ये हमारा इससे कैंसिल आउट, ये हमारा इसके साथ, और जो हमारी मिडिल की वैल्यू होगी वही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर हमारे ऑड नंबर हमारे यहाँ पे होते हैं डाटा सेट के अंदर, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे क्या था, 5 नंबर है, ऑड है हमारे, ठीक है, 5 है ना टोटल। मैं इस वैल्यू वाली की अब आप बात नहीं कर रहा, टोटल हम यहाँ पे काउंट करें, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि हमारे पास एक और वैल्यू यहाँ पे है, जैसे कि 7 हमारे यहाँ पे हो जाते हैं, तो अब यहाँ पे कितने हो गए, ये टोटल नंबर हमारे कितने हो गए, 6 हो गए ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इवन नंबर हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में हम यहाँ पे मीडियन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा 1 से 7 कैंसिल, ये हमारा इससे कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज बचेंगी, 3 और 4। तो इनका हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली अर्थमेटिक मीन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो 3 + 4 इज इक्वल टू 7 / 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3.5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस डाटा सेट के लिए मीडियन हो जाएगा, मीडियन यहाँ पे क्या होगा, 3.5, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा यहाँ पे थर्ड होता है वो हमारा क्या होगा, मोड होगा, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर द मोड इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट स्कोर इन ओवर डाटा सेट। हमारे पास कोई भी डाटा सेट है और उसके अंदर अगर हमारे कोई वैल्यू बार बार यहाँ पे हमारी रिपीट हो रही है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे मोड होगा। जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज है, 1 हो गया, 2 3 4 5, ठीक है। अब उसके बाद हमारे यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या है, 6 6 6 6, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए जो हमारे पास ये वैल्यू हो गई, ठीक है, और इसको हम मीन के मीडियन के थ्रू अगर हम यहाँ पे इसको शो करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मीडियन तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं इस डाटा सेट को यहाँ पे शो करना चाहूँ, तो ये हमारा 1 से ये वाला कैंसिल, ये हमारा यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको 6 के थ्रू अगर मैं यहाँ पे इसको शो करना चाहूँ, तो वो हमारा ज्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू मीडियन, ठीक है। ये तो जस्ट हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं 6 की बजाय हमारे यहाँ पे वैल्यूज आ रही है 90 हो गया ये, ठीक है, ये भी हमारा 90 हो गया, ये भी हमारा 90 हो गया, ये भी हमारा यहाँ पे 90 हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे वैल्यूज क्या रहेगी, अब वैसे तो इसका जो मीडियन आएगा वो तो हमारा 5 आएगा, लेकिन इसका जो मोड होगा ना, मोड हमारा क्या होता है, जो नंबर हमारा मोस्ट फ्रिक्वेंट हमें देखने को मिलता है, बार बार हमारा जो रिपीट होगा, सबसे ज्यादा टाइम जो हमारा रिपीट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोड होगा। जैसे कि 90 90 90, ये हमारा कितने बार हो गए, 4 टाइम्स हो गए, तो यहाँ पे मोड हमारा क्या आएगा, 90 ही आएगा, बाकी हमारे 1 1 बार यहाँ पे रिपीट हो रहे थे नंबर, ठीक है। तो इस टाइप के डाटा सेट के लिए हम क्या यूज करेंगे, वहाँ पे मोड वैल्यू को वहाँ पे यूज करेंगे, जो हमारा बार बार वहाँ पे यूज हो रहा हो। और इसको किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, उन्हें हिस्टोग्राम, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम इसका जनरेट करेंगे, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द हाईएस्ट बार इन द बार चार्ट और हिस्टोग्राम,
जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो हमारी पर्टिकुलर वैल्यू है ये हमारी सबसे ज्यादा टाइम हमारी रिपीट हुई है। जो यहाँ पे वाई एक्सिस है ना, ये हमारा क्या शो कर रहा है कि ये जो हमारा नंबर है ये हमारा कितनी बार रिपीट हो रहा है। हिस्टोग्राम वही तो होता है ना, जैसे कि हमारे पास 1 2 3 या 90 वाला केस लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 3 4 5 और ये हमारा 90। तो ये तो सब हमारे एक एक बार ही थे, तो यहाँ पे हमारा बार तो इतना ही जाएगा इनका, ठीक है। लेकिन 90 वाला का बार सबसे हाईएस्ट जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका मोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला हमारा मोड हो गया, यहाँ पे दो मोड यहाँ पे आ जाते हैं, एक ये हमारा यहाँ पे मोड हो गया, ठीक है। तो हमने मीन के लिए जो हमारी लिमिटेशन थी उसकी हमने बात की थी, मीडियन के लिए हमने बात कर ली। अब मोड का हमारे यहाँ पे लिमिटेशन क्या होती है कि कई बार मोड हमारे यहाँ पे एक्चुअल में डाटा को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे तो हमारा चलो ठीक है, ये हमारा एक मीडियन वैल्यू हो गई, ये हमारा बीच की वैल्यू है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमारे केसेस के अंदर क्या रहता है कि एक से ज्यादा हमें मोड्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो दो हमारे यहाँ पे मोड्स हो गए, तो ये भी प्रॉब्लम रहेगी। तो किस वैल्यू से हम इसको ट्रूली हम इसको रिप्रेजेंट करें इस डाटा सेट को, तो वो वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम रहेगी ना, ठीक है। उसके अलावा कई बार हमारा क्या होता है कि जो हमारी बिल्कुल एक्सट्रीम वैल्यू होती है ना, वही हमारी मोड वैल्यू होती है। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे, अब वैसे तो हम यहाँ पे मोड 90 के थ्रू इसको शो कर रहे थे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तो ये इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा ना, क्योंकि हमारी हाफ वैल्यू तो क्या थी, इससे कम भी थी। या फिर हम जैसे कि अगर सपोज करके चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज है 6 7 8 9 10, इस तरीके से हमारी अलग अलग वैल्यूज है, तो वहाँ पे हमारा मोड तो क्या रहेगा, 90 ही रहेगा, लेकिन वो उसको ट्रूली रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा ना, क्योंकि ये तो हमारी एक्सट्रीम वैल्यू थी बिल्कुल, ठीक है। देखो यहाँ पे भी हमारा क्या है कि ये हमारी वैल्यूज थी और ये हमारी बिल्कुल एक्सट्रीम है, लेकिन मोड ये हो गया, तो हम इससे तो इसको ट्रूली रिप्रेजेंट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा क्या रहेगा, मोड से हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम रहेगी, इसकी लिमिटेशन यहाँ पे रहती है। तो इसीलिए हमने बताया था कि जो हमारे अलग अलग यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रहते हैं वो हमारे अलग अलग कंडीशन के अंदर यूज होगी, कहीं पे हमारा मीन यूज होगा, कहीं पे हमारा मीडियन होगा, कहीं पे हमारा मोड होगा। लेकिन आपको यहाँ पे इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। जो हमारा डीबीटी बेट जेआरएफ का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके अंदर जो हमारा सेक्शन ए होता है ना, सेक्शन ए के अंदर जो हमारे जनरल एप्टीट्यूड या फिर जो मैथ रीजनिंग के हमारे क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे कई बार हमारे डायरेक्टली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ पे हमारा क्या होगा कि मीडियन क्या होगा, मीन क्या होगा या फिर मोड क्या होता है, वहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इन चीज़ों का आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, और इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला भी रहता है। इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि जॉर्मल जो हमारा एक नॉर्मल जो फॉर्मूला रहता है कि जो हमारा मीडियन होगा ना, मीडियन को अगर हम 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, मोड प्लस 2 मीन, ठीक है। यानी कि मीन जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि मीड की वैल्यू दी हुई है हमें 10, मोड की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 से ये हमारा प्लस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 × 10 20 + 10, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 30, ठीक है। अब ये तो हमारा 30 हुआ, ये हमारा किसके इक्वल हुआ है, 3 मीडियन के इक्वल, 3 मीडियन किसके इक्वल हो गया 30 के, तो मीडियन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा मीडियन यानी कि 10, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको मेन और मीडियन या फिर इन तीनों में से अगर कोई दो चीजें आपको प्रोवाइडेड हो तो आप तीसरी वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले के ध्यान में जरूर रखें, ठीक है। ये तो हमारे हो जाते हैं यहाँ पे मेन मीडियन। अब इन्हीं के बेसिस पे जो हमारा डाटा सेट होता है ना, उसको हम तीन अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया था ना मेन मीडियन और मोड के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे ये हमारे किस ऑर्डर में है, ठीक है, उसी के बेसिस पे जो हमारा डाटा सेट होता है ना उसको हम तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। पहले हम इसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। पहले हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक तो हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और एक हमारा होगा यहाँ पे स्क्यूड डाटा, ठीक है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, वो हमारा दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड होता है। एक हमारा होगा यहाँ पे पॉजिटिव, एक हमारा होगा नेगेटिव। तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो इसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारा मीन, मीडियन और जो मोड, ये तीनों ही हमारे क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, अप्रोक्स इक्वल रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मीन हमारा क्या होता था, मीन हमारा होता था एवरेज, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमारी इसी के आसपास आ रही है, तो हमारा जो एवरेज होगा वो हमारा लगभग इसी के आसपास आएगा वैल्यू के। जो हमारा मीडियन होगा वो हमारा क्या होता है, वो हमारा मीडियन जो बिल्कुल मिडल वैल्यू होगी, तो ये तो हमारे यहाँ पे इसके इक्वल ही रहेगा। और मोड हमारा क्या होता था, जो हमारा सबसे मैक्सिमम टाइम हमारा रिपीट होता था, तो मैक्सिमम हमारी यही वाली वैल्यू होगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे हमारा जो मीन, मीडियन और मोड, ये हमारे तीनों एक दूसरे के इक्वल ही रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या होता है, नेगेटिव स्क्यूनेस और एक हमारा पॉजिटिव स्क्यूनेस।
पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नेगेटिवली स्क्यूड डाटा के लिए, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो मोड होगा वो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू होगी। देखो यहाँ पे हमारा जो मोड का मतलब है ना, मोड का मतलब यूँ नहीं है कि ये हमारा सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है। मोड हमारा क्या होता था, मोड हमारी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती थी, ठीक है। तो मोड हमारे यहाँ पे क्या होगा, सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे नहीं बता रहे, हम यहाँ पे किसको बता रहे हैं कि जो हमारा मोड वैल्यू आएगी ना हमारे डाटा सेट के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एक्स हमारे यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो हमारा मोड होगा ना यहाँ पे वो हमारा क्या होगा, वो हमारा सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी। जैसे कि यहाँ पे हमारा 6 क्या हो जाएगा, इसके लिए मोड है हमारा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टाइम हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देख सकते हो ना, ये हमारा सबसे हाईएस्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। उससे कम हमारा यहाँ पे मीडियन रहेगा, और उससे कम हमारा यहाँ पे क्या होगा, मीन होगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा मोड सबसे ज्यादा, फिर मीडियन, और फिर हमारा मीन, तो ये हमारा कौन से टाइप का डाटा होगा, नेगेटिवली स्क्यूनेस का। और जो हमारा पॉजिटिवली स्क्यूनेस होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव के बिल्कुल अपोजिट होगा। तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, मीन यहाँ पे सबसे ज्यादा, देन उसके बाद मीडियन, देन उसके बाद हमारा यहाँ पे मोड। तो यहाँ पे मोड हमारा सबसे लोवेस्ट, फिर मीडियन, और फिर हमारा सबसे हाईएस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव स्क्यू डाटा। और इसके ऊपर हमारे कई बार क्वेश्चन हमें सीएसआईआर के अंदर भी, और जो हमारा डीवीटी बेट जेआरएफ एग्जाम है उसके अंदर भी हमें इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो हमारी लेक्चर सीरीज चली हुई है, अगर आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे, तो वहाँ पे भी आपने नोटिस किया होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव स्क्यूनेस के ऊपर हमारे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे जरूर याद करके जाए कि जो हमारे नेगेटिव स्क्यूनेस होते हैं वो हमारा किस टाइप का डाटा होगा, पॉजिटिव किस टाइप का होगा, और हमारा जो नॉर्मल या फिर सिमेट्रिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा किस टाइप का डाटा रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, हमने जैसे बात की कि जो हमारे अलग अलग जो हमारे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं वो उसको हम अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई नॉमिनल डाटा हो, नॉमिनल डाटा क्या होता है, जैसे कि एक तो हमारे जैसे कि हमें सीक्वेंस दिया हो 1 2 3 4, हमारा एक पर्टिकुलर हमारे पास सीक्वेंस है इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर का, ठीक है। तो वो तो हमारा कौन से टाइप का डाटा होता है, एक ऑर्डिनल डाटा होगा, एक ऑर्डर में अगर हमारे यहाँ पे कोई सीक्वेंस हमें दिया हो, ठीक है। तो उसके लिए तो हम क्या करते हैं, मीडियन वैल्यू को वहाँ पे यूज करेंगे। अगर हमारे पास कोई ऑर्डर में डाटा नहीं है, ठीक है, हमारे पास जैसे कि कोई पर्टिकुलर रैंक के अंदर हमारा कोई डाटा नहीं है, ठीक है, तो उस डाटा को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल डाटा करेंगे। और उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, मोड को हम वहाँ पे यूज करेंगे, जो हमारा मैक्सिमम टाइम हमारा रिपीट हो रहा हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे नॉन स्क्यू डाटा के लिए बात करते हैं, ठीक है, इंटरवल बाय रेशो के लिए, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, मीन वैल्यू को यूज करेंगे। और अगर हमारा कोई स्क्यू डाटा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मीडियन डाटा को वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि हमने पीछे बात की थी, एक हमारा ज्योमेट्रिकल मीन होता है, एक हमारा हार्मोनिक मीन होता है। कई बार हमारे इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अभी तक तो इसके रिगार्डिंग हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे इनकी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन के लिए, हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर आते हैं, हम ज्यादा इसके ऊपर डिटेल में यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करें ज्योमेट्रिक मीन के लिए, तो ये क्या होता है, द ज्योमेट्रिक मीन इज एन एवरेज दैट इज यूजफुल फॉर द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर दैट आर इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्ट एज इन केस विद द रेट ऑफ ग्रोथ एंड नॉट देयर सम एज इन केस विद द अर्थमेटिक मीन। तो इसके अंदर हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, हमारे पास वैल्यूज है 435, 45, ठीक है। उसके अलावा एक हमारे पास है यहाँ पे 75, 50 हो गया, एक हमारे पास है 75, ये हमारे पास पांच वैल्यूज हो गई। और इसका अगर हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सभी को यहाँ पे हम मल्टीपल कर देंगे, 4 × 36 × 45 × 50 × 75, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे अंडर रूट कर देंगे 5 टाइम्स, क्योंकि 5 नंबर्स है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 के साथ ही यहाँ पे इसको अंडर रूट करके, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे इनको मल्टीपल करके चलते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 2 4 3 00 000, ये हमारे यहाँ पे 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 4 3 00 000 पावर बाई 1/5, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाता है, इसकी हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पे 30, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा वो कितना आएगा, 30। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हार्मोनिक मीन के लिए, जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन था ना उसको हम कहाँ पे यूज कर रहे थे, रेट ऑफ ग्रोथ वगैरह उस टाइप का अगर हमारा कोई डाटा रहता है, जो हमारा हार्मोनिक मीन होगा ये हम कहाँ पे यूज करेंगे, द हार्मोनिक मीन इज एन एवरेज विच इज यूजफुल फॉर सेट्स ऑफ नंबर्स विच आर डिफाइंड इन रिलेशन टू सम यूनिट एज इन केस ऑफ स्पीड। अगर हमारे पास कोई हमारे कोई ऐसा कोई डाटा है जिसको हम वहाँ पे उसके साथ हमारे कोई पर्टिकुलर यूनिट वहाँ पे काम कर रही है, तो उसके लिए हम किसको यूज करेंगे,
हार्मोनिक मीन को, जैसे कि अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस यूनिट पर टाइम को अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्टेंस पर यूनिट ऑफ टाइम, तो इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसी डाटा को लेके चलते हैं, 4, 36, 45, 50, 75, ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा यहाँ पे हार्मोनिक मीन होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, इसको एक बार यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे हमारे टोटल नंबर हमें काउंट करने हैं, 5 हमारे यहाँ पे नंबर हो गए, तो 5 हो गया डिवाइडेड बाई, हर एक नंबर को यहाँ पे हमें क्या करना है, 1/1 में लेके चलना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर इसको 1/4 लिख देते हैं, यहाँ पे हमारा 36, 1/45, 1/50 प्लस 1/75, इन सबको यहाँ पे हमें ऐड कर देना है, ठीक है। अब क्या होगा हमारा यहाँ पे, जो हमारी नीचे वाली इक्वेशन होगी इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, ऊपर तो हमारा यहाँ पे 5 ही रहेगा, इसको अगर हम यहाँ पे सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारा 1/3 आ जाएगा, ये हमारे यहाँ पे 5 × 3/1, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 15, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो हार्मोनिक मीन होगा वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाते हैं जियोमेट्रिक और हार्मोनिक मीन। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट हम लेके चलते हैं स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जिसके ऊपर भी हमारे कई बार क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके बारे में मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम यहाँ पे इनके बारे में ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करके इनको एक ओवरव्यू यहाँ पे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जैसे कि बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, जैसे कि पीछे भी हमने बात किया था ना, जो हमारे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो यही हमारा क्या होता है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारा कुछ इस टाइप का हमें डाटा देखने को मिलता है। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो नोन एज द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ्टन यूज टू डिस्क्राइब द नेचुरल फिनोमेना सच एज हाइट एंड वेट। जब हमारा अगर डाटा अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारा प्रेजेंट है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस वाले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, या फिर इसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। जो हमारी प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, उसी के अंदर भी हमारे यहाँ पे 3 टाइप के हमें प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल और पोजीशन। तो जो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी होगी, उसके अंदर हम क्या करेंगे, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन अपर प्रोबेबिलिटी को वहाँ पे यूज करेंगे। और इसके अंदर हमारा क्या होता है, जैसे कि जो हमारा डाटा सेट होगा ना, वो हमारा एक पर्टिकुलर कंटिन्यूस डाटा होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक क्लास के अंदर अगर हम हाइट को यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, वेट को अगर हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, एक कंटिन्यूस डाटा हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। द स्टैंडर्ड डेविएशन डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द कर्व एंड डिस्क्राइब द वैलिडिटी ऑफ द डाटा, इट इज करेक्टराइज बाय द बेल शेप कर्व। अब आपको इस पॉइंट को यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि जो हमारा नॉन लिनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, हमें बेल शेप्ड कर्व वहाँ पे देखने को मिलेगा, विच इज सिमेट्रिकल एंड सेंटर अराउंड द मीन, ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, सेंटर के अराउंड ही रहेगा, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पे कौन सा होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर आपने बाइनोमियल इक्वेशन को स्टडी किया होगा जेनेटिक्स के अंदर, इनहेरिटेंस के अंदर, ठीक है। तो जो हमारे बाइनोमियल इक्वेशन होती है वो हमारी कहाँ से आती है, इसी डिस्ट्रीब्यूशन से आएगी। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और अगर हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के लिए बात करते हैं, तो उसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारा डाटा सेट होगा ना, वो हमारा बहुत ही ज्यादा कंटिन्यूस फॉर्म में होगा, बहुत ज्यादा हमारे पास यहाँ पे नंबर होते हैं, और हर एक इवेंट के अगर हम यहाँ पे जैसे कि एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काउंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, वहाँ पे हमारे बहुत सारे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट हमें करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बाइनोमियल के लिए बात करते हैं, तो इसके अंदर जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है बाइनोमियल, यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारे दो ही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे हम, यस या फिर नो, जैसे कि ट्रू और फॉल्स, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जेंडर के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, एक मेल और एक फीमेल, मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पे हमारा यही होगा ना। तो इस टाइप का अगर हमारा कोई डाटा है जिसमें हमारे दो ही हमारे पास चॉइसेस है, जैसे कि अगर हम इनहेरिटेंस के अंदर आपने स्टडी किया होगा ना बाइनोमियल इक्वेशन के अंदर, तो उसके अंदर हम क्या करते थे, एक जो हमारा इवेंट होता था उसको हम फेवरेबल लेकर चलते थे, और बाकी इवेंट को हम क्या कर देते थे, अनफेवरेबल कर देते थे, ठीक है। तो वो हमारा वहाँ पे क्या होता था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इट डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनरी डाटा फ्रॉम ए फाइनाइट सैंपल। यहाँ पे हमारा जो सैंपल होगा ना, वो हमारे क्या होंगे, फाइनाइट सैंपल होंगे। दस इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर इवेंट आउट ऑफ द एन ट्रायल। अगर हमारे पास यहाँ पे एन नंबर ऑफ ट्रायल अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ इवेंट अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये हमें क्या बताएगा, एक पर्टिकुलर इवेंट की हमारे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमें बता देगा। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज टू मॉडल द नंबर ऑफ सक्सेस इन ए फिक्सड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल। इट इज करेक्टराइज बाई टू पैरामीटर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस इन ए सिंगल ट्रायल एंड द नंबर ऑफ ट्रायल। जैसे कि अगर हमें हेड टेल के बारे में अगर हमें वहाँ पे प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बाइनोमियल इक्वेशन को ही वहाँ पे हम यूज करेंगे। थर्ड हमारे यहाँ पे टाइप होता है पोइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर क्या होता है, इट डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनरी डाटा फ्रॉम ए इनफाइनाइट सैंपल। यहाँ पे जो सैंपल साइज होगा ना, वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सैंपल साइज क्या था, फाइनाइट था। दस इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर इवेंट इन ए पॉपुलेशन।
यहाँ पे हमारा जो ट्रायल्स होते थे, इवेंट होते थे, वे हमारे क्या होते थे, फिक्स होते थे, एन नंबर ऑफ ट्रायल। लेकिन यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन के अंदर, यहाँ पे हमारा जो इवेंट होंगे, जो हमारे यहाँ पे सैंपल साइज होगा, वो क्या होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, बहुत लार्ज यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। अब इसके ऊपर हमारा न्यूमेरिकल हमें बहुत कम यहाँ पे देखने को मिलेंगे, या फिर इनके अंदर जो हमारा डिफरेंसेस भी रहेगा वो भी हमें बहुत कम देखने को मिलता है। जो इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसके अंदर हमें डायरेक्टली इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि कौन सा हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट है, कौन सा हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। जैसे कि हमें कई सारे टेस्ट दे देंगे, उसमें से हमें कल सिलेक्ट करना होता है कि हमारा नॉन पैरामेट्रिक या फिर पैरामेट्रिक हमारा कौन कौन से टेस्ट रहते हैं। तो अगर हमारे जैसे कि डाटा सेटअप हमने यहाँ पे बताया कि किस कंडीशन के अंदर हम इस पर्टिकुलर टेस्ट को वहाँ पे यूज करेंगे, जैसे कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल है और उसके हमने यहाँ पे दो कैटेगरी में उसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बिटवीन द सब्जेक्ट अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट को हम वहाँ पे यूज करेंगे। किसके अंदर, पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर। यानी कि जो हमारा इंडिपेंडेंट टी टेस्ट होगा, ये हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे पैरामेट्रिक होगा। और नॉन पैरामेट्रिक कंडीशन के अंदर हम किसको यूज करेंगे, मैन विटनी यू टेस्ट को। अब जैसे कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल दो कैटेगरी को लेकर चल रहे हैं ना, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं हमारे पास 50 प्लांट्स है। ये हमने यहाँ पे एक हमारा जैसे कि क्वेश्चन भी हमने देखा था डीबीटी के अंदर, तो एक हमारा जैसे कि वेट कंडीशन के अंदर हमने 50 प्लांट को मेजर, उनकी हाइट को मेजर किया, और एक हमने ड्राई कंडीशन के अंदर, ड्राई हैबिटेट के अंदर हमने 50 प्लांट्स की हाइट को वहाँ पे मेजर किया। और इन 50 प्लांट्स की जो हमारी यहाँ पे एवरेज हाइट आ रही है, अगर उन दोनों को यहाँ पे अगर हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, दो कैटेगरी है और उनके अंदर क्या करना चाहते हैं, उनको कंपेयर करना चाहते हैं, तो वो हमारा पैरामेट्रिक के अंदर हम किस टेस्ट को यूज करते थे, टी टेस्ट को। ठीक है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट को। और नॉन पैरामेट्रिक के लिए हम किसको यूज करेंगे, मैन विटनी यू टेस्ट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वन वेरिएबल टू कैटेगरी के अंदर, अगर हमारा विद इन द सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो वहां पे हम किसको यूज करेंगे पैरामेट्रिक के अंदर, पेयर टी टेस्ट को। ठीक है, और अगर हमारे यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक की बात करें, तो वहां पे हम यूज करेंगे विकोक्शन साइंड रैंक टेस्ट को। आपको इन टेस्ट के बारे में याद रखना है, ये नहीं है कि इन टेस्ट के अंदर क्या होता है, अगर आपको टाइम मिलता है, हमें भी अगर टाइम मिलेगा तो हम इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर जरूर यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अभी अगर हम यहाँ पे टाइम की पूरी बात करें, तो टाइम हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है कि एक एक टेस्ट को हम यहाँ पे स्टडी करें। तो इसीलिए आपको इन टेस्ट को यहाँ पे नाम जरूर ध्यान में रखना है कि हमारे नॉन पैरामेट्रिक कौन से होंगे, पैरामेट्रिक हमारे कौन से होंगे। उसके बाद जो हमारा वन वे एनोवा हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, उसके कंपेयर में हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा होगा, क्रूशियल वैलीज टेस्ट। जो हमारा रिपोर्टेड मेजर एनोवा टेस्ट होगा, उसके लिए हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे फ्रीडमैन या फिर मोड मेडियन टेस्ट। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वन वेरिएबल के अंदर, अगर हम यहाँ पे कोरिलेशन को मेजर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा होगा, पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट। और जो हमारा नॉन पैरामेट्रिक होता है, वहां पे हमारा होगा स्पीमैन रो टेस्ट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने बात की कि जो हमारे बायोस्टेटिक्स है, उसके अंदर हमारे जो मेजरली हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो हमारे पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, या फिर हमारे जो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के जो हमारे अलग अलग टूल्स रहते हैं, मीन मीडियन मोड्स, या फिर जो हमारे स्क्यूनेस रहती है, तो उन सब के बारे में हमने आज यहाँ पे बात की। अगर आपको इनसे अलावा अगर कोई पर्टिकुलर आपके पास है कोई ऐसा टॉपिक है बायोस्टेटिक्स के लिए, या फिर अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको सोल्व नहीं हो रहा हो, अगर आपको उसमें कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, आप हमें वहां पे बता सकते हो, हम उसके लिए अलग से जरूर यहाँ पे आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में जो हमने आज यहाँ पे स्टडी की, अगर इनके बारे में अगर आपको और भी ज्यादा डिटेल में अगर स्टडी करने हो, तो आप इन रेफरेंसेस के थ्रू स्टडी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR लाइफ साइंस DBT बैट JRF और गेट लाइफ साइंस रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।